अगर रोल मिल जाए डांस करने से तो राजंडी के सर देख रहे हो क्या खाइबा में है डीके हाथी तो मोटा जाइबा राज सर डीके सर राज सर डीके सर अगर सिस्टम पाड़ने से तुम लोगों को फुर्सत मिल गई हो तो अपने काम धंधे पे आ जाते हैं। कीपिंग इट कुल्लू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वही शो है जिसमें हम मस्त मस्त नई चीजों का ट्रेलर देखते हैं अपने कूल फ्रेंड्स के साथ और उनसे समझते हैं। जनरली तो हम लोग शोज के ट्रेलर देखने के कूल लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आज हॉट किसी बंदे को बुलाया। आज मैंने एक अति उत्तेजित साधारण से व्यक्ति को बुलाया। मैंने कहा नॉर्मल लोगों को भी मंच प्रदान किया जाए, किसी को बुरा ना लगे। सतीश रे साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने इनको पहले एपिसोड से बोला था कि भाई साहब आ जाओ एक आध एपिसोड में। इन्होंने हिकारत भरी नजरों से कहा कि मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं करता हूं। मैं नहीं करता भाई, मैं हुई नहीं क्रिएटर, मैं एक्टर हूं भाई। ये एक्टर हैं और फिर उसके बाद आरामनगर के सारे ऑडिशन रूम से धकेले जाने के बाद इनका मैसेज आया है। ऐसा नहीं है, सारे से नहीं, अभी दो बाकी है। बट भाई साहब आज जो शो हम लोग देखने वाले उसका नाम है भाई साहब गन्स एंड गुलाब। राजन डीके ने डायरेक्ट किया है। राजन डीके भाई, ओह माय गॉड, राजन डीके मतलब क्या डायरेक्टर है ये बंदा। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, फैमिली मैन फर्जी। और ये ऐसे इनको रोल कैसे मिलेगा, ऐसे रोल आप इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ही नहीं है आपको। हैप्पी एंडिंग, अ जेंटलमैन, एक एक फिल्म एक एक सीरीज इनकी ना देखने वाली होती है यार। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। ये ऐसी एक्टिंग में दोस्तों क्या इनको रोल मिल सकता है, आप लोग कमेंट करके हम लोगों को बताएं। बट द शो इज वेरी गुड गाइज। 90s के परिदृश्य में भाई साहब ये पूरा कहानी बेस्ड है, जिसमें गन्स एंड गुलाब नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई साहब बंदूकें हैं और गुलाब है। उस वजह से हमने भाई साहब आइसक्रीम भी आज एकदम बिल्कुल गुलकंद वाला रसमलाई फादुला लेके आए। बाकी दिन पे क्या रहता था भाई, कुछ मुश्किल आइसक्रीम रहती थी जो लोग गैस करते थे, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठते थे जनरली। और आज भाई साहब जो शो देखने वाले हम लोग, उसके ट्रेलर में हमको देख के ऐसा लगा कि सारे रोल्स के लिए हम दोनों में से कोई ना कोई तो कास्ट हो सकता था। मतलब हार्टलैंड में एक शो बना है और हार्टलैंड के बंदों को रिएक्ट करने लैंड पे बैठा रखा है। मतलब बताओ यार, रिएक्ट कर यार। तीन तक गिनूंगा। वाह, 1 2 3। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। 5 सेकंड के ट्रेलर में भाई साहब इतनी स्टेलर स्टार कास्ट दिखा दी गई है। राजकुमार राव जी आ गए, उसके बाद दुलकर सलमान जी आ गए, एकदम हार्ट थ्रॉप जो एकदम जिनपे इंटरनेट के सोनम बाजवा के मेल वर्जन है भाई साहब वो। और उसके साथ आदर्श गौरव जी हैं, जो कि एक टीवीएफ की बहुत ही हिट सीरीज में आए थे और उसके बाद उन्होंने एक हॉलीवुड की पिक्चर करी, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी सीरीज कर रहे हैं। और कुछ और लोग हैं जो टीवीएफ का शो करने के बाद जो है फालूदा खाते हुए रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, ये तू अपनी बेइज्जती कर रहा है। मैंने नहीं करी टीवीएफ की सीरीज, उनने वहां भी नहीं लिया। गुलाबगंज की पावन धरती पे आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि पापा को मुझ पर नाज हुआ, मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं गांजी। आपके पापा को आपकी किस चीज पर नाज हो सकता है, अभी तक की जिंदगी में कोई ऐसा है चीज? जब मैं घर से भागा था उनको नाज हुआ कि फाइनली 4 रोटियां कम बनेंगी, 2 मेरी 2 पापा की। क्यों पापा की? पापा को दुख भी तो है थोड़ा सा। 2 रोटी कम खाऊंगा। खाना पानी सर पे छत बिस्तर सब तो है, बाकी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही तो जाना है ना। 4 कट आत्मा राम, ये 4 चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है। आपको किसी रोल के लिए ऐसे बाल करने को बोले तो आप कर लोगे? कर लूंगा भाई, मैं गंजा भी हो जाऊंगा। राज एंड डीके साहब कुछ भी कर दीजिए यार। रोल दे दीजिए भाई, लेकिन स्टाइल एकदम सही है। हाँ ये भाई संजय दत्त वाली, हाँ संजय दत्त वाली स्टाइल है। बढ़िया हेयर स्टाइल तो बढ़िया, लेकिन यार एक्टर भी तो बहुत बढ़िया है गुलशन दत्त। हाँ। और हाँ। इस साल तो बहुत फोड़ रहे हैं यार, फाइनली इनको अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। आप कब मतलब हम मैं आपके लिए कब बोल पाऊंगा ऐसा? जब मेरे अंडों का ऑमलेट बनेगा तब। भाई आप पट्टी पैंट क्यों पहन रहे हैं, मेरी गोटी दिख रही है क्या? नहीं भाई। कैसे मार रहा है? साइकिल के पंप से। स्क्रू ड्राइवर नहीं, पाने से। एक ही पाने से उड़ा दिया दोनों को। किसी को पाने से कैसे मार सकते हैं? ऐसे ही मार दिया। मार दिया, ऐसे ही मार दिया। देखो ये होती है, यू शुड बी राजकुमार राव को तो एनी डे रिप्लेस कर दूंगा, कुर्सी से हटा के सर साफ करके देता हूं। मुझे जो है ऐसे कैरेक्टर पसंद आते हैं जो एकदम शांत। मार दे रहा लेकिन बोल रहा कि बस मार दिया भैया। हाँ मतलब एकदम बिल्कुल, जो बेचारा जिनका नॉर्मल रिएक्शन ही जो है वो ऐसा, इतना भयंकर काम करने के बाद भी आदमी चिल है। वेल डन टिपू, आज तो गुलाबगंज में आग लगेगी। आग नहीं,
कहर। भाई साहब भाई काम ऐसा करो कि गर्लफ्रेंड भी तारीफ करे वाले, या आप पाने से किसी की जान ही ले रहे हो। तो उसी की वजह से तो उसको मिल रहा सब कुछ यार, पानी की वजह से। ये शहर ऐसा है जहाँ पे क्राइम करने से आपको इज्जत मिल रही है। कौन सा शहर है ये? गुलाबगंज। मैं गेस कर पा रहा हूँ राजन डीके सर, क्या अच्छा गेस कर पाता हूँ। राजन डीके सर, इनकी स्टोरी एनालिसिस कैसा है आप बताएं इनको प्लीज। मुझे अगर एक्टर ना हो तो राइटर की एक्टिंग करने का जॉब दे दीजिए। डायनेमिक डुओ है, दो लोग हैं यहाँ पे, दो लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लग रहा है कि हमें कोई भी करना चाहिए? नहीं अभी तक नहीं। कि जब दो लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं तो हमें क्यों करना है यार। अगर ट्रेलर अच्छा नहीं होता तो हम लोग कुछ अच्छे जोक्स क्रैक करके इस वीडियो को फनी बना देते। अब जब ट्रेलर ही अच्छा है तो अगर हम फन करें तो राजन डीके सर बुरा लगेगा कि नहीं यार इन्होंने अच्छे जोक्स मार दिए यार। फिर रोल काट देंगे, हमारा रोल काट देंगे सीजन टू में से, जो हमको देने वाले मिल चुका है। मेन लीड और साइड रोल का देने वाले थे, मेन लीड और क्राउड का देने वाले थे, जो मेन लीड और लास्ट का, मेन लीड और पाने का। आप देख रहे हैं, आप सिनेमैटिक वो समझ रहे हैं, आप सिनेमैटिक। पुराना गाना बज रहा था, अचानक से रील फंस गई और एकदम वेस्टर्न इंग्लिश गाना बज गया। राजन डीके सर, आपकी सिनेमैटिक एबिलिटी को मैं समझता हूँ मैं। भाई साहब वो प्रेम में आया, जैसे ही उसकी दुनिया जो है सुंदर हो गई और एकदम अंग्रेजी गाना चलने लगा। कुछ लोगों के प्रेम में जो है अंग्रेजी निकलने लगती है ना। डेट पे आप जाते हो तो आप कभी ऐसे डेट वेट पे गए हो तो इंग्लिश गाना बजा है पीछे से? आपके मन में कौन सी भाषा का गाना बजता है जब आप डेट पे जाते हो? मेरे मन में तो हमेशा भोजपुरी चलता है। कौन सा गाना? लहंगा उठाए दे रिमोट से। कैसे पता? इस पूरी स्टोरी का पॉइंट क्या है? ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है जो ऐसे ही बैठे बैठे आराम से हो जाएगी। डील का 5% आपका होगा। मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया और तुम्हें लग रहा है तुमसे मिला लूंगा। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और कसम पैदा करने वाले की वो शैतान को अंदर ही रहना चाहिए। भाई ये डायलॉग आप चाहिए मुझे। भोजपुरी बोल दो भाई साहब। भोजपुरी बोले साहब आप। कहा जला कि हर आदमी के अंदर एगो राक्षस रहला, आहा, लेकिन शुक्र मनावा पैदा करे अल्लाह के कि राक्षस बाहर ना निकले। बेटर, मैं कह रहा हूँ आप छोड़े साहब, आप पता नहीं है मैं क्यों बॉलीवुड में ट्रैक, बॉलीवुड में क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप सर, आपके लिए बढ़िया पिक्चर दरोगा बाबू आई लव यू 2। लाश उठ के बता रहे, नहीं भाई उसने मारा था। नहीं लेकिन ऐसा हो तो सकता ना अगर भाई, ये मैं बता रहा हूँ इसमें मेरे को राजन डीके सर। मैं लाश बनता था, एक जोक आ जाता राजन डीके सर आपको पता है कि इसको नहीं लेना है आपको, ये तो कंफर्म हो गया होगा आपका। भाई साहब रंबा हो गाना आ गया, डांस करने का मन हो गया मेरा। डांस करोगे आप? मेरे को अगर रोल मिलता है तो मैं कर लूंगा भाई। अगर रोल मिल जाए डांस करने से तो? राजन डीके सर देख रहे हो क्या? खाइबा में है रिकी हाथी तब मुटा जाइबा तेने ने 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 ने। राज सर, डीके सर, राज सर, डीके सर, ये देखो कमर देख रहे हो 360 कैसे। और ये सब बाद में कर ले, वो अभी मूड बदल जाएगा। गन्स एंड गुलाब, नामचीन गैंगस्टर्स की कहानी। अबे पेट्रोल खत्म हो गया, तू देख, 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 चल, चल, चल। क्या बात है यार। भाई साहब फर्स्ट वर्ड अबाउट द ट्रेलर कैसा लग रहा है ओवरऑल? एकदम बाजा फाड़। भाई साहब बाजा फाड़ ट्रेलर है, काफी रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, मतलब हमको ऐसे कैरेक्टर्स आसपास में दिखते रहते हैं और मेरे को अच्छा लगता है कि भाई क्राइम भी है, मारा पीटी भी है, लेकिन डार्कनेस नहीं है, जोक्स हैं बीच में, फनीनेस है, प्यार मोहब्बत भी है, तो काफी एकदम रंग बिरंगा शो है और हार्टलैंड की कहानी है। हाँ, देसी लोगों की कहानी है, चेस करते समय पैसा खत्म हो जा रहा है, पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। बहुत बढ़िया साहब, इतना रिलेटेबल कौन बनाएगा यार। लेकिन तेरे को ट्रेलर देख के समझ क्या आया? भाई साहब 90s के परिदृश्य में एक स्टोरी चल रही है जिसमें एक बड़े डॉन साहब है गाची नाम के,
उनके एक बेटे हैं आदर्श गौरव छोटा गाची नाम के, जो अपने पापा की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं कुछ बड़ा सा क्राइम करके, इसलिए वो अलग अलग लोगों से साठ घाट कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें काफी सारे लोग हैं। राजकुमार राव जी हैं इन द रोल ऑफ पाना टीपू, इनने पाने से किसी की मौत कर दी थी, मतलब किसी को मार दिया था, उसके बाद से इनका नाम पाना टीपू हो गया। उनकी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है जो बीच बीच में उनको जो है प्रोत्साहित भी करती रहती है और उनको जो है मोटिवेशन देती रहती है। और साथ ही साथ दुलकर सलमान जी जो कि भाई हार्ट थ्रो में देश के, वो इसमें बने हैं एक फैमिली मैन जो कि मेरे को लगता है कोई ग्रे टाइप का कैरेक्टर है, जो दोनों साइड नहीं है, डॉन के साइड भी नहीं है, पुलिस के साइड भी नहीं है। ये सब मिला मुलू के भाई साहब गुलशन देवैया जी हैं, जो संजय दत्त वाली हेयर स्टाइल में है, वो चार कट मारते हैं आत्मा में, चार कट आत्माराम उनका नाम है। ऐसे अलग अलग सीरियल किलर्स को मिला के जो है एक गैंग वॉर चल रही है और बीच में है फनी फनी जोक्स, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट। अब आपको सीरीज आएगी तब पता चलेगा एक्चुअल में कहानी है क्या। कैसा लगा राजन डीके सर? इसको मत लेना, ये पूरी कहानी बता देगा दो मिनट में। राजन डीके सर मैं सिनेमा समझता हूँ सर आप लोगों का, इनके जैसे नहीं, इसीलिए सर ये पंगा करेगा, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता, मैं जो बोलोगे वो करूंगा। तो भाई सर 18th अगस्त को ये सीरीज रिलीज हो रही है ओनली ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज द कास्ट लुक रियली प्रॉमिसिंग एंड एंटाइसिंग एंड पावरफुल एंड मोटिवेटिंग। भाई इंग्लिश क्यों बोलता है, तुमको लग गया अंग्रेज है इसलिए तेरे को कास्ट नहीं कर रहे यार। दोस्तों जो भी लोग पात्र हैं इस शो के, काफी ज्यादा मनोरंजक, काफी ज्यादा जो है प्रोत्साहन करने वाले, काफी ज्यादा जो है हृदय वितरक कैरेक्टर मुझे इसके लगे और उस हिसाब से मैंने अपनी हिंदी का प्रदर्शन कर दिया है, मुझे रोल मिल जाना चाहिए। 18 अगस्त को सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, गो एंड वॉच एंड लेट अस नो आगे हम किन गेस्टों को बुलाएं। थोड़ा कूल नाम ले देना इस बार, थोड़ा गेस्ट में ऊपर नीचे हो गया बट संभाल लेना। ऊपर हो गया मतलब गेस्ट में, अब नीचे बता दो यार कुछ और कुछ बचे हैं तो। सब्सक्राइब करें गाइस नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल को। थैंक यू गाइस। आ रही है 18 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर। अच्छा किया तूने, दोस्तों आप मैं कह रहा हूं अच्छा किया तूने मेरे मुंह से आदर्श गौरव का नाम नहीं बुलवाया। क्यों आदर्श गौरव क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं यार जलन थी।